हाय एवरीवन, मेरी क्रिसमस एंड होप यू हैविंग अ ग्रेट डे टुडे। नेक्स्ट मैच जो हम कवर कर रहे हैं वो है टर्की सुपर लीग का मैच बिटवीन हतायस्पोर एंड गिरसनस्पोर। तो होम टीम जो है इस मैच में वो रहेगी गिरसनस्पोर, जो अभी 13th पोजीशन में है लीग में, और विजिटिंग टीम जो है वो हतायस्पोर रहेगी, जो 6th पोजीशन में लीग में। दोनों टीम्स की अगर हम फॉर्म देखें तो होम टीम ने लास्ट 5 मैचेस में 3 मैचेस में विक्ट्री हासिल करी है, 2 लॉसेस रहे हैं, तो इनकी फॉर्म जो है वो इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। ऑन दी अदर हैंड, अवे टीम ने लास्ट 5 मैचेस के अंदर 4 मैचेस में लॉस हुआ है और एक ही गेम जीता, तो इनकी फॉर्म थोड़ी ख़राब हो रही है। ओवरऑल देखें तो गोल्स के फॉर्म में गिरसनस्पोर जो कि होम टीम है, उन्होंने 18 मैचेस में 19 गोल किए हैं और 18 गोल खाए हैं, पॉजिटिव गोल डिफरेंस ऑफ 1। और विजिटिंग टीम हतायस्पोर ने 18 मैचेस में 26 गोल किए हैं और 23 गोल खाए हैं, पॉजिटिव डिफेंस ऑफ 3। तो बेसिकली डिफेंस दोनों ही टीम्स की स्पेशलिटी नहीं है, तो हमें लगता है दोनों टीम्स यहाँ कंसीड करेंगी। हाउएवर क्योंकि हतायस्पोर के गोल्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो हमें लगता है कि सेव्स के पॉइंट जो हैं यहाँ पे होम कीपर ज़्यादा बना सकते हैं। क्लीन शीट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं दोनों टीम से, तो इसलिए होम कीपर इनको हमने अपनी टीम में लिया है। डिफेंस में चल के देखते हैं तो सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से आपको नहीं जाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है वो कुरुसुक की है, लेकिन ये सस्पेंडेड है और आज खेलेंगे नहीं। उसके अलावा आप देख सकते हैं पेरेस, कुरैशी और मामूदू दियारा, इनको हमने अपनी टीम में लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अजीज बहीज को अपनी टीम में रखा है। आप चाहें तो ब्रायन ऑक्सूज और याब्रू को भी अपनी टीम में चांस दे सकते हैं। अटैकर्स के लिए जो क्रेडिट्स हैं वो थोड़े हाई हैं, जिस वजह से हमें डिफेंस के अंदर थोड़े क्रेडिट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए 8 क्रेडिट्स वाले अजीज बहीज को भी हमने चांस दिया। आप चाहें तो अदर डिफरेंट प्लेयर्स भी इस केस में सेलेक्ट कर सकते हैं। मिडफील्ड में भी देखें आप, एडमा ट्रायरो 2 की सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है, 66% है, लेकिन वो इंजर्ड है और स्टार्ट नहीं करेंगे। ऑन दी अदर एंड सबा लॉब्जन इज जो हैं, इनकी सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, 30%, लेकिन इनका बहुत ही हाई चांस रहता है गोल्स और असिस्ट प्रोवाइड करने का, और ये बहुत की प्लेयर रहते हैं जो हमारी अवे टीम अटैक हो रहा है, इनको हमने अपनी टीम में जगह दी है। उसके अलावा हमने सेलेक्ट किया है सर्जियो लुइस जूनियर को और हामिदू ट्रायोरे को। इनके आप लास्ट 5 to 6 मैचेस का प्रदर्शन देखें तो हर बार ड्रीम टीम में रहे हैं और काफ़ी क्रिटिकल प्लेयर हैं होम टीम के लिए। मूविंग ऑन टू फॉरवर्ड्स में दियाबाते का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है इस सीज़न, तो ये होम टीम से खेल रहे हैं, इस बार अभी तक लीग में 6 गोल्स कर चुके हैं। उसके अलावा अवे टीम की तरफ से अगर आप देखें तो जो उनके मेन प्लेयर रहे हैं वो मिराम दायूफ रहे हैं, इन्होंने 7 गोल और 1 असिस्ट किया, और उसके अलावा अल काबी जो है इन्होंने भी 7 गोल और 1 असिस्ट किया है। इन प्लेयर्स को अपनी टीम में ज़रूर लें, इन केस ये लोग स्टार्ट नहीं करते हैं तो फाइनल टीम जब अनाउंस होंगी हम अपने चैनल पर आपको फाइनल ड्रीम 11 टीम भी प्रोवाइड करेंगे। कैप्टनसी चॉइस के लिए होम टीम के जो गोल मेन गोल स्कोर हैं दियाबाते, इनको हमने अपना कैप्टन रखा है। आप बिराम दियूप और अलकाबी में से भी किसी को कैप्टन रख सकते हैं। वाइस कैप्टनसी हमने सबा लॉब्जन इज्जे को दी है, इनका बहुत ही हाई पोटेंशियल है असिस्ट और गोल स्कोर करने का। तो अभी के लिए हमारी टीम जो है फ्रेंड ये ऐसी दिख रही है, और आप चाहें तो फाइनल टीम जो है हमारे चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे मैच शुरू होने से 15 to 20 मिनट्स पहले। तो वो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। होप यू हैव अ ग्रेट डे एंड प्ले ड्रीम 11 रिस्पॉन्सिबली। थैंक यू।